शायद आप नहीं जानते होंगे, मेरा एक दूसरा व्लॉग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। व्लॉग चैनल के लिए मैं पूरा हिमाचल घूमने वाला हूं। अब पूरे हिमाचल को मैंने एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए मुझे एक ज़रूरत थी ट्रैकिंग बैग की, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और मुझे वो मिल भी चुका है। उसी बैग को आज मैं आप सभी के सामने रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप भी एक ट्रैकिंग बैग लेने जा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ इस वीडियो को आज पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। जो बैग मैंने लिया है वो 65 लीटर का है और इम्पल्स, शायद आई थिंक इम्पल्स ही होगा, इम्पल्स कंपनी की तरफ से वो ट्रैकिंग बैग आता है। उसकी कैसी बिल्ड क्वालिटी है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, 65 लीटर है, लेकिन ये 65 लीटर इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए, क्योंकि जब हम बैग ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उसकी जो साइज़ कैपेसिटी होती है वो लीटर में मापी जाती है, ना कि केजी में और ना इंचिस में। लीटर लिखा होता है, 25 लीटर, 35 लीटर, 45 लीटर, 55 लीटर, 65 लीटर, 85 लीटर, इस तरह से लिखा होता है। बस आप इतना समझिए, जितना ज़्यादा लीटर उतनी उस बैग की ज़्यादा कैपेसिटी। अभी जो मैंने बैग ऑर्डर किया है वो है 65 लीटर का, तो 65 लीटर बैग की कितनी कैपेसिटी है, कितने आप उसके अंदर कपड़े डाल सकते हैं, क्या क्या आप उसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा बीटॉक हिंदी। तो चलिए फटाफट बैग देखते हैं और उसमें सामान पैक करते हैं। दोस्तों, ये इम्पल्स का 65 लीटर का खाली बैग है। मेरा जो व्लॉग चैनल है उसके लिए मुझे ट्रैकिंग करनी है, पूरे हिमाचल को एक्सप्लोर करना है, तो उसके लिए ये सामान तो मुझे भैया चाहिए ही चाहिए। डेली यूज़ के लिए कपड़े चाहिए, कंबल वगैरह चाहिए, जूते, शेविंग किट, सब कुछ चाहिए होता है, कुछ नोटबुक वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए मैंने ये बैग परचेज किया 65 लीटर का। आइए इसकी हम कैपेसिटी चेक करते हैं। वैसे ये 65 लीटर, 45 लीटर ये मेरे बस से बाहर है। हम चेक करेंगे कि इसमें सामान कितना आएगा, वो आपके सामने लाइव होगा इधर। तो चलिए, ये बिल्कुल खाली बैग है, इसमें सुरंग टाइप है, गड्ढा टाइप है, जैसे कुआं होता है वैसा ही ये बैग है। बस एक ही पॉकेट है, एक पॉकेट अंदर और है जिप वाली, इसमें चाहे तो आप अपना लैपटॉप रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे लैपटॉप नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा नोटबुक, कुछ बुक्स और कुछ नोटबुक है, इन्हें मैं यहाँ रखूँगा और फिर इस पॉकेट को जिप लगा के बंद कर दूँगा। उसके बाद जो कुआं टाइप यहाँ पर है, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगा एक कम्बल, ये डबल बेड का कम्बल है लेकिन बहुत पतला कम्बल है, इसे मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगा सबसे नीचे। उसके बाद टावल की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं टावल डालने वाला हूँ। और ये चार जीन्स है मेरे पास, 1, 2, 3 और 4, इन्हें भी मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगा। लीजिए, ये एडजस्ट हो गए। पैकिंग का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें ज़्यादा सामान पैक कर सकते हैं। ये कुछ एक शर्ट और टी शर्ट है, 1, 2, 3, 4, 4 पीस शर्ट और टी शर्ट, इसे भी मैं इसके अंदर पैक कर देता हूँ। उसके बाद भैया पहाड़ों पे जाना है, सर्दी भी लग सकती है, तो एक ये ब्लेज़र है और 2-3 यहाँ पे स्वेटर है, ये टोटल मिला के 4 हो गए, इन्हें भी मैं इसके अंदर एडजस्ट करता हूँ। ये अच्छे से एडजस्ट हो गए। अगर अभी मैं स्पेस की बात कहूँ तो एक डबल बेड का पतले वाला कंबल इसमें और आ सकता है, लेकिन मैं कंबल नहीं डालूँगा, मैं यहाँ पे शूज़ का एक पेयर डालूँगा। ये मेरे शूज़ एडजस्ट हो गए और ये मेरी शेविंग किट है, इसे भी मैं यहाँ एडजस्ट करने वाला हूँ। शेविंग किट भी एडजस्ट हो गई। तो अभी अगर मैं बात करूँ, एक पैंट, एक शर्ट और एक स्वेटर इसके अंदर और एडजस्ट हो सकती है, लेकिन मैं ज़्यादा एडजस्ट नहीं करूँगा। अब मैं ये जिप चढ़ा देता हूँ, ये बैग हमारा पूरा पैक हो गया। उसके बाद ये साइड की पॉकेट बचती है, यहाँ पे अभी ये एक्स्ट्रा फुल हो गया है, वैसे यहाँ पे पानी की बोतल हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो कैमरा हमारा है उसका ट्राईपॉड भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें और स्पेस अभी है, ये देखिए यहाँ पे एक अंदर और पॉकेट है, इसमें है इसका रेन कवर, बारिश धूल मिट्टी से बचाना है तो रेन कवर हम यूज़ करेंगे। जो इसका टॉप वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक पॉकेट और है,
यहाँ पे हम रख सकते हैं मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें बार बार बैग को ना खोलना पड़े, बैग का सामान बाहर ना निकालना पड़े। जिन चीज़ों की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम यहाँ इस टॉप वाले पोर्शन में रख सकते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे हम अपना लटका सकते हैं स्लीपिंग बैग या फिर मैट्रेस वगैरह हम यहाँ पे इसमें फिट कर सकते हैं। इस बैग के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये क्लिप हम इसके चढ़ा लेंगे, इस तरह से इसको पूरा हम कवर करेंगे यहाँ पर। और ये हमारा ट्रैकिंग बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। कलर तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, रेड भी है, येलो भी है, बहुत सारे कलर इसमें आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगे। देखिए ऑनलाइन जब हम बैग को देखते हैं तो हमें कुछ तसल्ली नहीं होती। तसल्ली क्या नहीं होती, वो एक तो वहाँ पे लीटर पे साइज़ लिखा होता है, दूसरी बात कि इस बैग की बिल्ड क्वालिटी कैसी होगी। इसीलिए मैंने सोचा तो चलो इस वीडियो को मैं बना लेता हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैग परचेज किया है, मुझे जो इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी लाजवाब है, कसम से बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है जो इसमें सिलाई करके रखी है, बहुत ज़बरदस्त है। एक साल रेगुलर ट्रैकिंग करेंगे तब भी ये बैग हिलने वाला नहीं, फटने वाला नहीं है। तो चलिए पीठ पे मैं उससे उठाता हूँ, इसका कंफर्ट लेवल मैं अब चेक करता हूँ। दोस्तों मेरी जो हाइट है 6 फीट है, और मेरा जो बैग का पोर्शन है, जो मेरी फीट है, इस बैग ने पूरा कवर करके रखा है, आप देख सकते हैं। और अभी इसमें और सामान एडजस्ट हो सकता है। अभी टॉप वाला जो इसका पोर्शन है बैग का, यहाँ पे स्लीपिंग बैग या मैट्रेस हम एडजस्ट कर सकते हैं। 15-20 केजी भी बैग में डाल के रखा होगा वेट, तो आप बड़े आराम से चढ़ाई चढ़ सकते हैं। ओवरऑल कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया है, देखिए आप। और ट्रैकिंग के लिए ये बैग बहुत बढ़िया है, चढ़ाई चढ़िए, आप थकने वाले नहीं हैं, और आपका जो ज़रूरी सामान है इसमें एडजस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। अगर आप हिमाचल की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं और हिमाचल को घूमना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।